अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ लोग सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी शेबी सईद। अगर आप लोगों ने अभी तक शेबी सईद व्लॉग इंजॉय नहीं किया है तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब और करें शेबी सईद व्लॉग इंजॉय। 3 4 दिन छुट्टी हो गई, व्लॉग अपलोड नहीं हो रहा था और ना ही मैंने व्लॉग बनाया, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं शॉप जा रहा था सुबह और फिर आ रहा था रात में। तो मैं व्लॉग कैसे बनाता और कैसे अपलोड करता, इसलिए 3 4 दिन छुट्टी हो गई। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से पापा की तबीयत ठीक है, तो मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। फिर इंशाल्लाह आज से डेली व्लॉग बनेगा और डेली अपलोड होगा। आज का व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। काफ़ी दिन बाद जाकर आज मेरी सही से नींद पूरी हुई है, क्योंकि अभी जो बीच में छुट्टी हुई ना ब्लॉग की, उसमें मैं रात में काम कर रहा था। फिर सुबह 8 साढ़े 8 बजे उठकर फिर मुझे शॉप जाना होता था, तो बिल्कुल नींद पूरी नहीं हो रही थी। आज बिल्कुल सही से नींद पूरी हुई है, क्योंकि आज पापा गए शॉप और मैं उठा भी आज लेट हूँ। टाइम हो रहा है 11:35, तो आज सही से नींद पूरी हो गई। अभी मैं जल्दी से नाश्ता वगैरह कर लूँ, देखता हूँ नाश्ते में क्या बना है। अगर वही पुराना एग और पराठा होगा तो मैं नहीं दिखाऊंगा, आप लोग बोर हो जाएंगे कि हर हर व्लॉग में सिर्फ एग और पराठा सुबह के नाश्ते में। तो मैं जल्दी से देखता हूँ क्या है। मुझे पता था नाश्ते में एग और पराठे ही होगा, इस वजह से मैं नहीं दिखाया। अभी अभी नाश्ता करके फारिग हुआ हूँ। और एक और बात, आप लोगों को व्लॉग आज से इंशाल्लाह डेली मिलेगा, बट अभी 2 3 दिन थोड़ा व्लॉग बोरिंग टाइप होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत ही शॉर्ट टाइम होगा। अभी 12 बजने वाले हैं और अभी मैं जाऊंगा शॉप, क्योंकि पापा की तबीयत ठीक हुई है, वैसे नहीं हुई है। शॉप में मुझे ज़्यादा टाइम देना है, तो अभी मैं जाऊंगा शॉप, फिर आऊंगा मैक्सिमम 4 या 5 बजे। तो व्लॉग तो मैं पूरा बनाऊँगा और बहुत इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा बने। अभी मैं जा रहा हूँ, जल्दी से फ्रेश वगैरह हो जाऊँ और फिर सीधा शॉप जाऊँ। सुबह सुबह इतनी तेज धूप हो रही है और अभी मैं जा रहा हूँ शॉप, फिर फारिग होकर आता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ। अभी अभी शॉप से आया हूँ और टाइम हो रहा है 5 बजने में 5 मिनट बाकी है और गैस वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा। आई थिंक मामा ने आज खाना भी नहीं बनाया, क्योंकि सुबह से गैस नहीं आ रहा। अभी मैं देखता हूँ कि मेरे खाने में क्या है, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई है, काफ़ी लेट हो चुका है ना। सच में आज खाना नहीं बना है, तो अभी मैंने अपने लिए मंगवा लिए छोले और साथ एक केक, यही मेरा खाना होगा, तो मैं जल्दी से खा लूँ। बहुत ही मज़े का था, छोले खा पी के फारिग हो चुका हूँ। और हसन अली आए हुए, अभी वो रेडी हो रहे हैं, वो जैसे ही रेडी हो जाते फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हसन अली को। इस छोटू को मैं प्यार करना है और ये छोटू साहब सो चुके हैं, अभी सोया है। और ओए होए होए होए, इसकी आइस खुली भी है, क्योंकि अभी अभी ये सोया, अगर ये उठ गया ना तो इसकी मम्मा मुझे मारेंगी, क्योंकि ये बहुत तंग करता उठने के बाद। अब ये जब उठेगा तभी मैं इसको पप्पी जप्पी दूंगा। और आज PSL मैच था, पता नहीं किस किस का पता नहीं है मुझे, क्योंकि आज मैं नहीं देखा, थोड़ा बिजी था। आज आई थिंक 2 मैच था और अल्लाह का शुक्र है कल कराची जीत गया। अगर नहीं जीतना ना तो कराची के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। अभी मैं टाइम टेबल चेक करता हूँ कि किस किस का, आराम से उधर बैठ जाऊँ, फिर टाइम टेबल चेक करते हैं भाई किस किस का आज मैच है। अभी नेट चला है, जहान की पिक्चर लगी हुई है सामने, तो गूगल में जाते हैं, इधर लिखते PSL टाइम टेबल, PSL, ये रहा PSL टाइम टेबल 2023। ओपन 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 नोटिफिकेशन, आज आई थिंक खबर देखना पड़ेगा, आज एक ही मैच है, क्वेटा और पिशावर के 7 बजे स्टार्ट होगा, तो 7 बजे मैच भी देखेंगे। अभी चलते हैं थोड़ा टेरिस में, फिर जब ये उठ जाएगा फिर मैं इसको आके प्यार करूँगा, क्योंकि अभी प्यार करूँगा ना ये फ़ौरन से उठ जाएगा। आजकल ना दिन और सुबह में ना बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, अभी शाम का टाइम हुआ है और धूप अभी तक वैसी है, लेकिन थोड़ी फ्रेश हवा वगैरह चल रही है, इसीलिए मैं टेरिस में आया हूँ। क्योंकि गर्मियों में मैं टेरिस में नहीं आता, सिर्फ सर्दियों में आता हूँ फ्रेश वगैरह होने के लिए। और अब तो सर्दी ख़त्म हो चुकी है, अब सर्दी आएगी भी नहीं। अभी भी धूप है लेकिन वैसा नहीं है जैसे दिन और सुबह में गर्मी होती है ना, अभी वैसा नहीं है। अभी यहाँ से थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो जाऊँ, फिर नीचे जाऊँगा, मुझे अपने लैपटॉप में कुछ काम है वो करना है। जब मेरे जाने का टाइम हुआ है तो मौसम इतना प्यारा हो चुका है, ये देखें माशाल्लाह इतना खूबसूरत हो रहा है, और उस साइड का तो कुछ ज़्यादा ही
खूबसूरत लग रहा है मौसम और बिल्कुल फ्रेश हवा चल रही है, सुकून मिल रहा है। लेकिन इतना ज़्यादा देर में बैठ नहीं सकता क्योंकि आधे घंटे से ऊपर हो गया मैं बैठा हुआ हूँ। अब मुझे जाना होगा नीचे, अपने लैपटॉप में काम है, आज थोड़ा ज़्यादा काम है ना, तो उसको फारिग करना है सबसे पहले, क्योंकि फिर अगर मैं इधर बैठा रहा तो लेट हो जाएगा और फिर मेरा काम भी नहीं हो सकेगा। तो अब मैं जा रहा हूँ नीचे, अपना लैपटॉप लेकर आ चुका हूँ रूम में और गोलगप्पू ना अभी तक सो रहा, उठा नहीं है। मुझे दिल कर रहा है कि मैं इसको उठा दूँ, लेकिन अगर मैं इसको उठाया तो इसकी मामा मुझे बहुत डांटेंगी। मैं भी अपना टेबल वगैरह रख के लैपटॉप लगा दूँ। लैपटॉप लगा चुका हूँ और अभी लैपटॉप अपना ऑन करता हूँ जल्दी से। ये अपना लैपटॉप भी ऑन हो गया और ये गप्पू ना मेरे पास ही लेटा हुआ है, सो रहा है। मुझे इसलिए स्लो बात करना पड़ रहा है, अगर मैं तेज़ बात करूँगा तो ये उठ जाएगा। अभी मैं अपना काम वगैरह ख़त्म कर लूँ ना, अगर ये नहीं उठा हुआ तो इसको मैं ज़बरदस्ती उठाऊँगा, क्योंकि ना इसको पपी करने का बहुत ज़्यादा ही दिल कर रहा है। मैंने तो आप लोगों को अपना काम ही नहीं बताया कि मुझे अपने लैपटॉप में काम क्या करना। मुझे अपने लैपटॉप में एक कैलेंडर बनाना है, दोस्त के शॉप का है वो कैलेंडर बनाना है, और एक लोगो बनाना है। बहुत ही दिमाग का काम है, इसको आराम से मुझे करना होगा। लोगों हर जगह से सर्च वगैरह करूँगा, थोड़ा आइडिया वगैरह मिल जाएगा, फिर उसके बाद एक लोगो और एक कैलेंडर बनाना है। मैं सोच रहा हूँ आज लोगो बना लूँ और फिर कल कैलेंडर बना के उसको दे दूँगा, क्योंकि दोनों एक दिन में नहीं बन सकता ना, टाइम लगता है। लोगों में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, कैलेंडर में इतना टाइम नहीं लगता, वो मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे में बन जाता है, अगर डिज़ाइन वगैरह आपके पास पहले का बना हुआ। और मेरे पास पहले का डिज़ाइन वगैरह है, वो सिर्फ उठा के लगाना और कैलेंडर तैयार हो जाएगा। लेकिन जो लोगो है ना वो न्यू है, उसमें मुझे टाइम लगेगा। तो अभी सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर ऑन कर लूँ, ये रहा एडोब प्रीमियर। ओ एडोब प्रीमियर नहीं, सॉरी एडोब प्रीमियर एडोब प्रीमियर में वीडियो एडिट करते करते ना मुंह में आ गया, सिर्फ एडोब प्रीमियर एडोब प्रीमियर, ये है एडोब इलस्ट्रेटर। ये रहा हो चुका है, फाइल पे न्यू, न्यू के बाद साइज क्या लेना है, साइज है इसका 8 और हाइट है 11 इंचिस में। ओके क्रिएट साइज ये नहीं है, साइज लोगों का मुझे जो बनाना है वो है 4x4, जिसमें विर्थ होगी 4 और हाइट होगी 4। अभी मैंने ये इसलिए खोला है, इसमें कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाऊंगा ताकि दूसरे फाइल में मैं कन्वर्ट कर सकूं 4x4 के साइज़ में, जिसमें मुझे मेन लोगो बनाना है। अभी मैंने ये इसीलिए ओपन किया ताकि इसमें कुछ डिज़ाइन ऐसे हैं जो इस साइज़ में बनाऊंगा, फिर उसके बाद इसको मैं कन्वर्ट करूँगा 4x4 में। देर लग गया मुझे बनाने में और अभी तक इसका नेम मुझे नहीं पता है कि नेम क्या लिखना है। और ये रहा लोगो, ये पूरा डिज़ाइन बन चुका है और अभी मैंने नीचे नेम नहीं लिखा, वो कुछ गन टाइप हो गया मुझसे। अभी मैं उससे कॉल करके पूछूंगा नेम क्या लिखना है, तब मैं इसको कंप्लीट करूंगा। अभी मैं इसको सेव कर लेता हूं, रात में इसको कंप्लीट करूंगा, क्योंकि बहुत देर से मैं बैठा हूं, 2.5 घंटे हो गए ये सिर्फ डिज़ाइन बनाने में। सेव वगैरह कर चुका हूं, अब मैं इसको जल्दी से ऑफ़ करता हूं और जल्दी से बंद करके उठूं, क्योंकि थक चुका हूँ मैं बिल्कुल, काफ़ी देर से मैं इसको बना रहा हूँ। ऑफ हो जाओ, ऑफ हो जाओ, ऑफ हो जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ऑफ हो चुका है और अभी तक उठे नहीं है गोलगप्पे, सो रहे। मैं ये लैपटॉप रख कर रहा हूँ, फिर इसको उठाता हूँ, इसको पप्पी करता हूँ, देखता हूँ ये उठता है या नहीं उठता है। उठ जाए यार, कब से सो रहा है मेरा गोलगप्पा, मुँह खोल के सो, मक्खी चली जाएगी मुँह मुझे। हाँ, गोलगप्पू मामू, हेलो हेलो मामू की जान, हेलो मामू की जान,
अच्छा ये अब रोने स्टार्ट हो जाएगा इसको अगर मैंने ज़्यादा छीलो तो। हाँ बाबा कैसे हैं कैसे हैं, हो गई मॉर्निंग? हाँ हाँ ये रो दिया रो दिया। अच्छा अभी मामू मम्मी को बुला रहे, ये रो देगा इसकी मम्मा को भी बुला कर रहा हूँ। गुप्पू अभी सही से उठा है गोलगप्पे। हाँ बाबा हेलो कौन है? ज़ियान? ओ ज़ियान नहीं, हसन अली। हसन अली क्या बाबा क्या हुआ क्या हुआ? हाँ अब ऐसे ऐसे सीधा हटो हटो तो तू इसको हटो। हसन अली गुस्सा क्यों कर रहे हो गप्पे? क्या हुआ बाबा क्या हुआ? फिर से हटाओ माशाल्लाह कैसे माशाल्लाह मेरा गोलगप्पे कैसा हंसता है माशाल्लाह से। हाँ पापा हाँ क्या हुआ? मामू से बात करोगे? हाँ माशाल्लाह आप लोगों ने देखा ना माशाल्लाह से वो कितनी बातें करता है मुझसे। आप लोगों ने माशाल्लाह लाजमी बोलना है, कमेंट्स में भी माशाल्लाह आप लोगों ने लाजमी बोलना है क्योंकि इतने प्यार से ये हंसता है मुझसे बातें करता है, इसको नज़र नहीं लग जाए ना, तो माशाल्लाह आप लोगों ने लाजमी बोलना। अगर इसको नज़र लग गया ना मेरी सिस्टर मुझे मारेंगी क्योंकि वो डेली मेरा व्लॉग देख रही होती है और माशाल्लाह शायद ये इतना हंस रहा था मुझसे बातचीत कर रहा था, तो आप लोगों ने माशाल्लाह लाजमी बोलना है। हसन अली अपने घर जा चुका है और अब टाइम हो गया है 9:10 बाकी है और अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने क्योंकि मैं रात को पापा लोगों के साथ ही खाना खाता हूँ, पापा लोग जल्दी खा लेते हैं, तो देखते हैं खाने में बना क्या है। खाना वगैरह खा के फारिग हो चुका हूँ और मैं मिरर के सामने इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मेरी आईज़ ना काफ़ी ज़्यादा रेड हो रही, मुझे ना नज़ले टाइप फील हो रहा है, लगता है कल मेरी तबीयत लाजमी ख़राब होगी, मुझे नज़ला नज़ला लग रहा है और यहाँ पे इतनी सारी दवाई पड़ी हुई है पापा की, पापा रोज़ खा रहे होते ये, अब ये पापा के लिए ज़रूरी है इनको 1 मंथ तक खाना है क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग दुआ करें कि जल्दी से वो सेट हो जाए और आज के व्लॉग को करते यहीं पर एंड में, फ्रंट कैमरा नहीं करूँगा क्योंकि ना आइस रेड हो रही है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, मुझे नज़ला टाइप लग रहा है और टाइम भी 11 बज चुका है, मैं अपना व्लॉग थोड़ा लेट एंड कर रहा हूँ, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।